खरगोन जिले के गोगांव थाने के घुघरिया खेड़ी में आज कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर एसडीएम ओम नारायण सिंह की अगुवाई में एक साथ आठ विभाग की टीम ने गेहूं और खाद बीज के चार गोदामों पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान शरबती गेहूं के नाम पर लोकल गेहूं पैकिंग होते रंगे हाथ पकड़ा। मौके से बड़ी मात्रा में गेहूं पैकिंग में प्लास्टिक की थैली और बोरे जब्त किए। गोदाम में सात प्रकार के मध्य प्रदेश के सीहोर सहित अन्य स्थानों के गेहूं पैक किए जा रहे थे। घुघरिया खेड़ी में प्रशासन की इस कार्यवाही से जिले में हड़कंप मच गया। शरबती गेहूं के नाम पर विभिन्न ब्रांडों में लोकल गेहूं की पैकिंग करते पाया गया। गोदाम मालिक द्वारा किसानों से गेहूं खरीद कर उसे शरबती गेहूं के ब्रांड के नाम से महंगे दामों में बाहर भेजा जा रहा था। इस दौरान एसडीएम और मौके पर मौजूद टीम द्वारा बड़ी मात्रा में शरबती गेहूं पैकिंग के बोरे भी जब्त किए गए। साथ ही जांच के दौरान टीम को खाद बीज दुकान से बड़ी मात्रा एक्सपायरी डेट की जैविक कीटनाशक और खाद भी मिला है। इस दौरान मौके पर मौजूद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा स्टॉक रजिस्टर की जांच की जा रही है, जबकि मौके पर एक ट्रक में मक्का भी भरकर बाहर भेजा जा रहा था, जिसकी मंडी प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। इस दौरान खाद विभाग की टीम द्वारा लाखों रुपए कीमत का गेहूं, चना और मक्का भी जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कलेक्टर साहब का इनपुट था कि गुड़िया खेड़ी जो गोगावा तहसील में आती है, यहाँ पर मंडी नियमों के विरुद्ध या और भी विभागों के विरुद्ध कुछ कृषि संबंधी और अनाज संबंधी गतिविधि हो रही है। उसी इनपुट की सूचना पर गोपनीय तरीके से करीब 5-7 विभागों की टीम के साथ अभी कार्रवाई प्रारंभ की है। किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है अभी यहाँ पे? जो हमने देखा तो भारी मात्रा में हमको यहाँ गेहूँ मिला है, मक्का मिला है, और अभी हमने इसके बिल जो हैं, इसका पत्रक है, बुक पत्रक है, और भी दूसरे हमने रिकॉर्ड जब्त करे हैं। फिर हमको पेप्सिसाइड की दुकान में अभी ये बहुत सारा यूरिया मिला है, उसकी बिलिंग का देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमें 7 अलग अलग ब्रांड के गेहूं शरबती के नाम से मिले हैं। अब ये सामने रखा ये ब्रांड शरबती बता रहे हैं, लेकिन ना उसका रजिस्ट्रेशन है कुछ है, तो 7 अलग अलग ब्रांडों से गेहूँ सप्लाई करते होंगे ये। हाँ, और जैविक खाद के नाम से भी हमको बीज खाद मिले, वो सब एक्सपायरी डेट का कुछ केमिकल है, अभी आपने देखा है, वो भी हमने अभी जब्त कर रहे हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर वाले भी अभी कार्रवाई कर रहे हैं, गणना वहाँ भी जारी है। ट्रक में माल भी लोड है, हर ट्रक में मक्के का भी एक ट्रक लोड है, कुछ नीचे मक्का पड़ा वो भी काउंटिंग में आया है, करीब 500 क्विंटल से ज़्यादा मक्का लगभग होना चाहिए, तो वो भी ट्रेस में है, अभी सब चीज़ सर्विलॉन में, अभी करीब 5-7 विभागों की टीम अभी कार्रवाई कर रही है इसमें। स्थानों पर छापेमारी की है, ये इसके करीब हमको यहीं पे 3 स्पॉट दिख रहे हैं, एक तो ये जहां अपन खड़े हुए हैं, एक ये बगल में जहां ट्रक और मक्का है, तीसरा यहां पे जिसमें यूरिया और ऑर्गेनिक कुछ बीज खाद मिले, और उसके पीछे एक और गोदाम मिला है जिसमें भी गेहूं रखा हुआ। किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसमें जो भी नियम में कठोरता, क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला है और किसानों के हित से जुड़ा मामला है, तो संभवतः देखते हैं अगर विधि अनुसार उसमें अगर प्रकरण पंजीबद्ध करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। कलेक्टर महोदय को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके नॉलेज में का माल हो गया अंदाज़। अब ये अभी वैल्यूएशन चल रहा है, पूरा माल अभी हम इकट्ठा वैल्यूएशन करके से, तो भी अब बहुत बड़ी मात्रा में लॉर्जेस है, आप खुद वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी यूरिया वगैरह की गणना, वेबसाइट की गणना, ये सब चीज़ें अभी पता नहीं पड़ी है, और इसका लैंड संबंधी रिकॉर्ड भी अभी निकाल रहे हैं, तहसीलदार हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, नाप तौल है, लेबर है, MPV है, तो सभी विभाग के लोग अपने अपने हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं। एक बार हम पूरी जब गणना हो जाएगी तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से आपको उपलब्ध करा। लाखों में जा सकता आंकड़ा? कई लाखों में, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ा वो पकड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ मिसब्रांडिंग वाला, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड के गेहूँ और शरबती के नाम से सारे, क्योंकि मध्य प्रदेश का शरबती पूरे देश में प्रसिद्ध है और उसी के नाम से, जबकि गेहूं शरबती नहीं है ये, क्योंकि इस क्षेत्र में होता नहीं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसमें तैयार भी कराई जाए? क्यों नहीं, बिल्कुल, वो तो सब जितने भी उसमें विधि अनुसार जो भी कार्रवाई सम्मत है, विधि कार्रवाई कलेक्टर साहब SP साहब से भी परामर्श करके विधि अनुसार सारी कार्रवाई पूरी की जाए। वही फर्म के अभी कागज जब्त करे हैं, अभी हमको आइडेंटिफाई नहीं, क्योंकि यहाँ तो बोर्ड भी नहीं लगा है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, बोर्ड होना चाहिए, डिस्प्ले, बहुत सारे उल्लंघन है, तो इसलिए हमारे नापतोल ऑफिसर हैं फूड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।